बाकी गाइस चाहे हो जाए कुछ भी, मेरे को ये चैलेंज पूरा करना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू चैलेंज। और गाइस आज हम चैलेंज करने वाले हैं 24 आवर इन डॉग केज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 24 घंटे के लिए डॉग केज के अंदर रहने वाले हैं। आज मैं 24 घंटे के लिए इस डॉग केज के अंदर रहने वाला हूँ। और व्यू कह रहा है कि मैं भी अपने पापा के साथ रहूंगा, लेकिन व्यू को अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। ये चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि इसके अंदर मैं कैसे कैसे रहने वाला हूँ। गाइस अभी मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ। टाइम हो रहा है 8:07, चैलेंज का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 12 तारीख है और 8:08 हो चुके हैं। तो चलो गाइस अभी इसके अंदर एंट्री करते हैं। बिल्कुल तू बाहर निकल जा, जो मैं ट्रे कल लेके आया था ये ट्रे भाई मेरे को बाहर निकाल के रखनी पड़ेगी। गाइस जैसे कि पीकू चैन पहनता है ऐसे ही मैंने भी चैन पहन ली। तो अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर 24 घंटे के लिए। और अभी आपको टाइम दिखा दूं, 8:09 हो रही है और इसके अंदर ना ही कोई बेड है, ना ही कोई बिस्तर है, ना ही कोई गद्दा है, ना ही कोई तकिया है, ना ही खाने पीने का कोई सामान है। गाइस खाने पीने का सामान अब ओए जैसे कि डॉग को मिलता है ना सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाला है, और वो चीज मालकिन देने वाली है। चलो भाई अभी केज के अंदर चलते हैं और टाइम दिखा दूं आपको। भाई टाइम हो गया 8:09 और मेरे से पहले भी उन्हें एंट्री कर ली, अब मैंने भी एंट्री कर ली, अब पीकू भी एंट्री करना चाह रहा लेकिन पीकू को मैं निकालने वाला हूँ। और टाइम दिखा दे भाई, 8:10 हो गए। भाई जब मालकिन आएगी और ये गेट बंद कर देगी तब फिर मैं 24 घंटे के लिए इसके अंदर पैक हो जाऊंगा। यू तो अभी कह लगा कि खोलो अबे ओए अपना निकलने का तू बाहर। गाइस यू तो ऊपर को चटके निकलने की सोच रहा, लेकिन ऊपर की तरफ भी जाल है और इस जाल के अंदर भाई हमको 24 घंटे जीना है एक डॉग की तरह। वैसे डॉग कभी कभी जाल को खींच के भी ले जाओ ऊपर है तो वो सारी चीज ट्राई करेंगे, लेकिन उठा के नहीं फेंक सकता वो, क्योंकि डॉग की हाइट इतनी होती नहीं ना उसको। अबे तो अभी निकल गया, ये आगे खोल के दोबारा। अच्छा गाइस जिसने मेरे को सबसे पहले चीज दिया ये, और अगर डॉग को ऐसी चीज मिलती है तो वो क्या करता है, चबा जाता है। तो मैं तो ये चबाने वाला नहीं हूँ। इसने मेरे को बैग भी दे दिया अंदर। अब इस बैग का क्या करने वाला हूँ, मैं बल्लू सुटाने वाला हूँ अगर मैं डॉग होता। जो भी आने वाला है वो मुझे इस केज के अंदर देख के क्या रिएक्शन देने वाला है वो तुम्हें भी मैं दिखाता रहूंगा। जैसे कोई अनजान आदमी आवे तो डॉग क्या करे, भौ भौ करे, लेकिन मेरे को पूछना पड़ेगा हाँ जी क्या काम है बताइए सर। डर मेरे से लगना चाहे ना क्योंकि मैं केज के अंदर हूँ। वो वाली बात सही है, डॉग केज के अंदर चाहे कितना भी एग्रेसिव हो, चाहे वो चीरता हो, फाड़ता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन बाहर वाले आदमी उससे डरेंगे नहीं क्योंकि वो केज के बाहर ही नहीं निकल सकता। जब मेरे को 24 घंटे अपनी जिंदगी इस केज के अंदर जीनी है, मजे आ रहे हैं। अभी तो बैठा बिल्कुल फरस ठंडा है, पीछे कमर लग रही, पैर खोलने के लिए जगह नहीं है, इतने पैर खुल रहे मेरे, लेट भी नहीं सकता अच्छे से। गाइस अगर केज के अंदर पूरा ठंडा डॉग आ जावे ना तो भाई वो ये भी काम कर सके, केज को ऐसे उठा उठा के ऐसे उठा के। मैंने केज को ऊपर लाके रख लिया और मेरे को ना एक प्रॉब्लम हो रही, मेरे दांत में ना कुछ फंस गया और मेरा मन कर रहा कि उसे कैसे निकाल लूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई लिंकड़वा है, ना कोई तूड़ी है, ना कोई ऐसी चीज है जिससे कि मैं उसे निकाल सकूं। अगर मैं इंसान होता फिलहाल तो मैं क्या करता, मैं कोई चीज उठाता और फिर ऐसे निकाल लेता। बोल के भी वो बता नहीं सकता कि मेरे दांतों में कुछ फंस रहा है उसे निकाल दो। मैं तो कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा हूँ। इधर ये दो कुत्ते आराम से लेट रहे। शॉपिंग करके आया तो ये मेरे को एक टोपी दे रहा। भाई मैं इस पर मांगी नहीं, इसने अपने आप ही दी। हेलो यूने मेरे को एक टोपी और दे दी, थैंक यू। ये बाहर किसने निकाल दिया? क्योंकि पापा चीटिंग कर रहे हैं, मतलब अंदर था ये, बाहर नहीं था, कैसे आ गए? तेरे पापा बाहर आ गए, किसका पूछ का है आप बाहर? टोपी भी खा रहे हमारे डॉगी, टोपी नहीं खाते। ए जो आगे था टोपी दे दी मेरे तो मेरा पूछो। मैं मुझे मालकिन कहा था, मैं मालकिन हूँ आज के लिए, किसका पूछ का बाहर आया हूँ। अच्छा अपनी माँ के हिरवे में राके तू समझा मालिक, हमें तो हम ही तो बताऊंगे आज ऐसा कर रहा। मेरे में इतनी हिम्मत है वैसे उठा के धर दू, ये तो हिलता भी नहीं मेरे पे। ये गाय अभी दोबारा मेरे को यही हला के सेट कर दिया। अब ये मेरे साथ दुराचार अत्याचार होने वाला है। अब तक तो मैं इस केज को उठा के कहीं भी ले जा सकता क्योंकि ये ना केज चलने फिरने वाला था, अब इसे बांध दिया जाएगा। ये पट्टा होगा काम, अब आएगा मजा। गाइस आज तो मौका मिला मुझे अपनी चलाने का, ये गलिया इसमें व्यू कहीं नहीं गाइस। वैसे मैं इंसान हूँ तो मैं खोल भी सकूँ, बट खोल ना दियो, बट मैं खोल नहीं सकता क्योंकि मैं जिंदगी तक जी रहा हिलाए तो सको हम, पर खोल नहीं सकते। मैं केज को लाके दोबारा वहीं सेट कर दिया जाए पहले सेट था। मैं जैसे तैसे कोशिश करके से ऊपर लेके गया था, और अगर ये छूट होती तो मैं इस केज को उठा के कहीं भी ले जा सकता। इन्होंने यहाँ से इसमें लॉक लगा के ऊपर बांध दिया। गाइस जी मेरे हाथ की बात है, मैं इसे खोल सकूं लेकिन मैं डॉग वाली जिंदगी जी रहा तो इसलिए मैं इसे कैसे खोल सकूं, मुंह से खोल सकूं, मुंह से ही खोलने का नहीं। अभी बाहर मिलने वाले भाई आए हुए हैं और मेरे को बाहर बुला रहे, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। आओ भाई आओ, अबे इतनी बड़ी मछली कहां से ले आए भाई, फिश को मैं रख भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक्वेरियम छोटा है। ये मुक्की होगी इसके लिए, इसमें दाना छुड़वाता हूँ। दाना लेके आ गए और ये मछली है, मछली का साइज कम से कम 1 फुट का होगा।
थोड़ा सा दाना डाल, आधा आधा। अभी 10 बज गए, अभी जो है मैंने सोचा है कुछ खाने के लिए लेके जाऊं उनके लिए नमकीन रखी, बट इसको खाने से पहले उनको एक काम करना पड़ेगा, उनको खानी पड़ेगी ये हरी मिर्ची। पानी नहीं दूंगी, पहले हरी मिर्ची पूरी खिलाऊंगी, उसके बाद नमकीन खाओगे बजाओगे। चलो अरे व्यू भी बट्टा, चलो मजा थोड़े पे थोड़ी सी दया ऐसी आ गई तो इसने मैं आपके लिए कुछ खाने को लाई। हंसने की क्या बात है इसमें, खाने के लिए नहीं होगा कुछ ना कुछ मेरे ऊपर जुलम करने। नहीं जुलम नहीं है, देखो खाने की चीज है, नमकीन है व्यू। पर सुनो सुनो सुनो, इसको खाने से पहले एक चीज करनी पड़ेगी आपको, ये खानी पड़ेगी आपको। ना मैं खत्ता ले जा, मुझे भूखा रहना पसंद है, पानी नहीं मिलेगा मुझे नहीं रहना। अरे ना रहना ले जाओ, नहीं बात माननी पड़ेगी, नहीं बात जरूरी नहीं है। हाँ। इंसान भूखा रह सके, यह चीज माननी पड़ेगी, गड़बड़ होगी मेरा जिसमें मिला गया लत्ती तब खाते। और गाइस एक बात देख रही मैं, तब से गेट ही खुल रहा है, बंद ही नहीं होगा तेरा, इसमें मुझे बाहर नहीं निकला। सेफ्टी के लिए मुझे इसका ताला बंद करना पड़ेगा, ताला कुछ भरोसा नहीं है। ईमानदारी से आपका चैलेंज पूरा करवाऊंगी मैं, इसमें ताला लगेगा कुकर, हाँ यहाँ लगा दूंगी इसमें। चैलेंज तो मैंने ले लिया बट एक गड़बड़ कर दी, मैंने ये चैलेंज अपने घर में कर लिया। मैं दिनों से तलाश में थी कैसे बदले लूं इनसे, कैसे बदले लूं, तो आज मेरा मौका मिला से मैं गवाई नहीं दी। हाँ बेटा मेरी नमकीन दे, ये देखो मैं ताला लेकर आ गई, फिर खोल दिया। ओए चाहे अंदर रहो चाहे बाहर रहो, नूनी नूनी रुक जा मैं बताऊंगी। ताला फेंक दे बाहर, नाली में फेंक दे, फेंक दे नाली में। चाबी लेने की कोशिश कर रहा लेकिन मिलने की नहीं, अरे टंग हो गई मैं यहाँ पर, अरव्यू भी नहीं उठा सकता ये यही टंग। अरे ये तो तार लगा, ये तो तार लगा, ये तो तार लगा, ये तो तार लगा, छोड़ दे छोड़ मेरी चाबी, मेरी चाबी छोड़ दे। चाबी लेने की कोशिश कर रहा व्यू ताकि ये ताला खोल सके और मेरे पास आके बैठ सके, बट मालकिन नमकीन क्या करूं। अबे साले चैलेंज बीवी को मालकिन बनाने की वजह से पूरा हार्ड हो गया, व्यू बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकता, और व्यू के बीच में जाल है। व्यू खोल दिया, अबे खुल गया, ओ अबे कैसे खुल गया यू, यार खुल कैसे गया भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही, गाइस ताला लगा हुआ है, अबे खुल कैसे गया, ये कैसे खुल गया व्यू। तक उसे पता नहीं चलने का, तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। मालकिन मिस्त्री तुरंत आ गई ताला ठीक करने के लिए, बट ये सही हुआ कि ये ताला ना कामयाब नहीं है, अब कुछ जुगाड़ कर रही है यार इसे कामयाब करने के लिए, कुछ तो करूंगी पर मैं। अबे यार अब की बार तो असली वाला सीन हो गया, अब ना खुलने का ये बिल्कुल भी। जिनका लेट ना देख लो, सुखड़े पड़े बिल्कुल, कैसे आऊं। अभी टाइम है दोपहर के लंच का, कड़ी चावल अभी देने जा रही हूँ, देख लो आप उसके साथ क्या है, लाल मिर्च। गाय कड़ी चावल तो आगे, पर इसमें मिर्च साफ साफ दिख रही, मिर्च तो गिर रही है सब्जी में, मज नहीं मिलने की, तमाई मनु खम्बा हाथ तक खाओ या मुंह तक खाओ मर्जी आपकी है। इसमें जान बूझ गई मिर्च गिर गई, मेरे होठ भी जड़ गए, भूख लग रही इसलिए खा रहा, ना यू भी उल्टा चला गया तो कुछ और भी नहीं मिलने का। ऐसे तैसे करके मैंने ये मिर्च वाला खाना खा लिया, गाइस अगर मैं खाना भी वापस भिजवा देता तो मुझे पता यार मैं कोई और खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही भाई डॉग के साथ भी मजबूरी हो गई, मालिक ने जो खाना रख दिया उसे वही खाना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं खाया फिर वो भी वापस चला जाएगा। जब तक मालकिन साहब नहीं आने के नीचे तब तक मैं ना हाथ धो सकता, अगर डॉग को कोई जरूरत हो वो भाव भाव करे, अब मेरे को तो बताना पड़ेगा बोल के, अरे पानी ले आओ, पानी दे दो यार। हाँ भाई ये बोतल भी नहीं आ रही इसके अंदर को, तो जब भी ऊपर दरिया ही मैं जब मिर्च खा लेना तो हिचकी बहुत आवे, इतनी भी ना थी। तो जब मैं पानी पी लू और मेरी हालत देख लो यार पसीने में कैसी होगी। अब हाँ। पानी तो नहीं पीना, एक बार ही पीना, बार बार नहीं मिलने का पानी, बोतल लेकर जाऊंगी मैं ऊपर। बाय बाय, कुछ ही करो। अगर मैं बाहर होता तो कुछ भी लेके खा सकूंता, कुछ भी पी सकूंता, लेकिन अब मैं इसके अंदर हूँ तो बस मुझे खाने के लिए मिल गया, अब मेरे को शाम को मिलेगा। अभी टाइम हुआ 12 बज गए यार, ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा मेरे साथ, ऐसा तो यार जेल में कैदी के साथ भी नहीं होता। जब आराम करता हूँ थोड़ी देर इसमें लेट के, मैंने तो गड़बड़ और कर दी यार, ये टाइम केज को ना इधर की साइड कर लिया, मैं उधर की साइड कर लेता ना तो पंखा भी मिलता, इधर की साइड पंखा भी नहीं है। कैसे आऊं ना, अपना सर इधर फंसा लिया और पैर इधर हो गए मेरे ऐसे। केज के अंदर रहना ना कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है, मेरे को ना तो नींद आई
ना मैं अच्छे से लेट पाया। बार बार लूसी मेरे पास आ रही, पीकू वहां बैठ रहा, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने पैर सीधे कर लूं या अपनी कमर सीधी कर लूं या अपनी गर्दन सीधी कर लूं। लगभग 8 घंटे ही मेरे को इस केज के अंदर हुए हैं और मेरी हालत अभी से खराब होगी, लेकिन मैंने ये चैलेंज लिया है तो मैं ये चैलेंज कम्प्लीट जरूर करूंगा। मेरी हालत 8 घंटे में खराब होगी, इनका क्या हाल होता होगा जब ये केज के अंदर रहते होंगे, वो वाली बात भी सोचने की है। जब कोई जेल के अंदर रहता है भाई, उसको तो पूरी उम्र भी रहना पड़ जा। मेरा इतना मन कर रहा है बाहर निकलने का, चैलेंज छोड़ने का। कभी तुम ट्राई करके देखना, एक ही जगह एक ही केस के अंदर आप अच्छे से घूम नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। खाना तुम्हें मिलेगा एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा कुछ नहीं पता, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। अबे साले क्या हो गया? गाइस इसकी उंगली भी नहीं पहुंच पा रही मेरे पास तक। गाइस व्यू को भी ये लग रहा कि मेरे बाप के ऊपर अत्याचार हो रहा। गाइस भी पीकू भी ट्राई कर रहा ताला खोलने की। अपने गैंग के खपिटर आना स्टार्ट हो गए क्योंकि अब टाइम हो गया घूमने का, लेकिन इन्हें पता है कि मैं 24 घंटे के लिए इसके अंदर रहने वाला हूँ, तो आज मैं देखता हूँ कि पीकू को ये बाहर ले जा सके घुमाने के लिए। ले जाके दिखाओ भाई, पट्टे में ले जाओ यार, चैन तो मेरे गले में रहेगी पीकू की। देखते हैं पीकू बाहर घुमाने ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। ये कोशिश कर रहे पीकू बाहर ले जाने की, लेकिन पीकू का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरे से दूर जाने का। पीकू ने ग्रिप लगा ली अपने पट्टे पे, ऐसा लग रहा कि पीकू ने लॉक लगा लिया हो, इसका लॉक खोलने की कोशिश कर रहे। पीकू ये जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पीकू अपनी चेस्ट बेल्ट लेके चाचा के पीछे जाके बैठ गया। केज के अंदर मैं परेशान हो गया हूँ, साइड में बैठना पड़ रहा ना, अभी एक पैर में दर्द हो जा, फिर दूसरी साइड बैठना पड़ा है तो दूसरे पैर में दर्द हो जा, बिल्कुल ऐसे बैठू तो दोनों बूटक में दर्द हो जा। ये क्या बकवास कर रहा है? कल पापा मेरे से नाराज हो गए थे, पता नहीं आज पापा क्या रिएक्शन देंगे, देंगे भी नहीं देंगे, क्या पता चुप ही रह ले, गाली भी दे सके। पापा आ गए, पापा मेरे से नाराज है। पापा इसे घुमा के लिए साथ में एक टोपी भी लिया है, मजे देते हैं। बहुत तेज हो रहा है पापा, बुला रहे पीकू को, लेकिन आज तो पीकू का मन भी नहीं कर रहा जाने का। ओए ज्यादा जोर से बोल के बुलाया, चला गया नहीं गया, ओए रुक गया, पापा नहीं गया, वो वापस आ गया पीकू। जैसा कि आप लोगों को पता, अब रात होगी, लाइट भी जल गई, लेकिन व्यू अब भी परेशान है, किसी तरीके से ताला खुल जावे और ये अंदर आ जावे। अरे यार पापा नु कह रहे 14 की करो जा। बाबा मैं चैलेंज कर रखा, मैं 24 घंटे इसमें रहना जाल में। पापा मुझे इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। गाइस पापा का खतरनाक वाला रोल शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मेरा पिट पिट के निकलूंगा। ये देख लो मम्मी क्या लेके आ गई, चूहिया के छोटे छोटे बच्चे, कहाँ से मिल गए? मंदिर में तो ये जिंदा है, मर गए? नहीं मर रहे ना, जिंदा है, जिंदा। तुम वही रख दो ना मम्मी। माची हेलो। हाँ ओ भाई कितने छोटे छोटे हैं, इनकी माँ बाबा की दूध पिया देगी। गंदी बात यार ये। नो पता नहीं कौन सी बात है, मैं क्या कह गया। वही ले जाके रख देंगे क्योंकि इनकी ना डेथ हो जाएगी अगर इन्हें अलग रखेंगे, कहीं दूर रख देंगे। ये बात हुई मम्मी नो कह रहा, खोल दो अंदर आऊं। खोल ताला लग रहा पापा, ताला लग गया इसमें। अरे देख तुम मरा कके हैं, साग जोड़ रखे थे बिना मतलब बकवास कर यार नवा। कर रखी सोचू, इसने तो पहले ही सोचू कर रखी। इसी के अंदर है? इसके अंदर ही खाना आ गया, मेरे को हाथ से ही सर करना पड़ेगा अंदर। ये जुल्म सितम में पिताजी के सामने ही डाय जा रही मेरे में। इसने कह रखा मुझे इसमें बंद होने को। गाइस अभी खाने में आ गया, पता नहीं क्या है यार, रोटी है और ये भिगो गया है, बाकी दूध पानी कुछ
यार यहाँ कौन सी बात हुई, गलती कर दी यार, मालकिन बना गए तो। पीकू की आंखों में मेरे लिए प्यार है, उसकी आंखों में देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अभी तक मेरा नंबर एक और नंबर दो काम कोई नहीं आया, रात को हो सकता है नंबर एक या नंबर दो काम आ जा तब चैलेंज फेल भी हो सके। 8:02 हो गए, मेरे ऊपर ना पंखा है ना कूलर है ना हवा है ना पानी है, और ये दोनों भी मेरे पास ही लेट रहे। यू मेरे लिए पानी लेके आ गया, नीचे को दे दे यार, मेरे को कितना टॉर्चर करा जा रहा, तुम ये चीज देख सको नोटिस कर सको, ये पानी है बस मेरे लिए। टाइम दिखा दो मैं तुम्हें, 9:24 हो गए, अब रात के टाइम कौन बाइक पे गया यार। गाँव में वैसे इस टाइम ज्यादातर लोग बाग घर से बाहर नहीं निकलते, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा, लेकिन मेरे को इसमें नींद नहीं आने वाली। और आप लोगों को बता दूं कि मेरे गले में चैन पड़ी हुई है ना, इसका भी मेरा वजन महसूस होने लगा, मेरा शरीर ना बिल्कुल अकड़ गया, मतलब टूट गया शरीर, ना तो मैं पूरे पैर खोल सकता ना मैं खड़ा हो सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और अभी मैं तुम्हें टाइम दिखा दूं, 11:06 हो चुके हैं, और चाचा ने लाइट बंद करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि भाई चाचा को भी सोना, एक लाइट खुली हुई है, लगभग सारी लाइट बंद होगी, बस डांगरों के ऊपर लाइट चली हुई है। 11:07 हो गए, चाचा भी अपनी जगह में जाके लेट गए, 9 बचे हुए हैं गाइस, अभी तो 9 और मेरे को इसके अंदर रहना पड़ेगा, और मेरे से ना बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, और मेरा मन कर रहा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, कब तक मैं इसके अंदर रह सकता हूं। वैसे मेरी पूरी कोशिश है, और गाइस मेरा टॉयलेट लग रहा है मेरे को कि आ सकता है, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। 24 एक केज के अंदर रहना कोई आसान काम नहीं है, ये चीज एक बार तुम ट्राई करके देखना। और सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें बताने ही भूल गया, पापा ना हर रोज नीचे सोया करते, पापा थोड़ा सा गुस्सा हो गए और वो ना ऊपर जाके लेट गाइस, भी रात के 12 मेरा ना टॉयलेट आ रहा फुल प्रेशर के साथ। चाचा पे मैंने ये बोतल मंगवा ली क्योंकि चैलेंज तो अपना खराब नहीं करना, तो ये बोतल मंगा ली मैंने, इस बोतल के अंदर ही करूंगा क्योंकि यही बोतल मिली यहाँ चाचा को। गाइस अपना चैलेंज खराब ना हो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, प्रेशर तो पूरा बनना था कि अंदर जितना आया बस उतना ही मैंने करा, बचा हुआ प्रेशर मेरे को रोक के रखना पड़ेगा सुबह तक क्योंकि और बोतल नहीं है, और मैंने गले की चैन भी उतार के रख दी। और बाकी गाइस चाहे हो जाए कुछ भी, मेरे को ये चैलेंज पूरा करना है और मैं इस चैलेंज को पूरा करके रहूंगा। बस बार बीच में चाचा बोलते रहे मैं तो वो चीज़ मेरे को सुनती रहे, और मैं उस चीज़ को सुन के थोड़ी बहुत बात करता रहूँ, बट कितनी देर तक बात कर लूँगा और चाचा से मैं बात भी क्या कर लूँगा। रात को 2:26 हो रही, चलो चेक करते हैं के पापा कर क्या रहे, अपने चैलेंज को पूरा कर रहे या क्या कर रहे। ये तो अंदर ही है, ये भी सुबह होगी और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि तुम सोच नहीं सकते, और रात ना भाई इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि मेरे को ना दूसरी बोतल भी मंगानी पड़ी थी। इधर की साइड ये आप पीको, ये ना मेरे पास ही है भाई रात से, और मेरे को ना तो नींद आई बढ़िया से ना मैं सो पाया अच्छे से, और बिल्कुल भी मेरे को ये काम नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा कि बस एक बार बाहर निकल जाऊँ। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस अभी हो गया सुबह, तो अभी जो है व्यू के पापा सो रहे हैं, मैंने ऊपर से देख लिया। उनका चैलेंज खराब करने के लिए मैं उनके साथ करने वाली एक प्रैंक, मैं लेके जाऊंगी एक गुब्बारा, उसमें भर लूंगी बहुत सारा पानी और उनके ऊपर डाल दूंगी और उनका चैलेंज रहेगा खराब। गाइस मैंने गुब्बारा भी ले लिया और उसके साथ ले लिया ये पिन, जिस तरह से फोड़ूंगी, सोच रही थी इसमें और पानी भर लूं पर ये तो पट गया। मजा आया पापा 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 पानी गिर दे मेरे पर। कैसी रही नींद? चलो गाइस मेरा तो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइयो। गाइस ऐसे भी नहीं बैठा जाने का मेरे पे क्योंकि मैं स्कूल में भी ऐसे बैठ नहीं पाऊंता, तो अभी भाई मेरे को पानी में ही ऐसे बैठना पड़ेगा। अबे यार सारा पानी में हो गया मैं, लेकिन मालकिन साहिबा ने बहुत कोशिश करी चैलेंज को खराब करने की, अब मैं लगभग चैलेंज के बिल्कुल पास में हूँ। टाइम अभी कितना हो गया, अब फ़ोन खराब हो गया क्या? नहीं, 7:17 हो गए, सामान भेजने वाले कहाँ हो तुम? चैलेंज खत्म करना आ जाओ। गाइस अभी टाइम 8:10 हो गए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता था कल हमने चैलेंज स्टार्ट करा था 8:11 के करीब, तो 1 रह रही है आज ये ताला खुलने वाला है। अभी टाइम 8:12 हो गए, पापा 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 ताला तो खोल दो यार, मैं बाहर तो काट दो।
गाइस चलो शुक्र है पापा ने ताला खोल दिया और पापा ने मुझे आजादी दिलवा दी। पापा अगर जेल में रहना पड़ जाए तो अरे तू तो कोई छोड़ी भी बात बताता है पापा जीवन छड़ जाएगा। कहा पता तुझे बाहर निकलते ही खतरनाक काम करना पापा की गोली बननी। पापा पापा का टक्कर मार दो बाहर निकलती। पापा हट जाओ पापा पापा फाइनली यार मैं 24 घंटे के बाद बाहर निकल गया। मेरे गोड्डे मुट गए के अंदर खुशी देख लो कितनी है। पीकू पहले केज के अंदर गया। अब ओए ये गंदी चीज हटा दूं मैं पहले। गाइस अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधे कर लिए और पीकू भाई मेरे ऊपर पैसा मैं पीकू मेरी कुची ले रहा। आ पीकू आ जा बस मैं तेरे से दूर जा रहा था। गाइस जब भी पीकू से कोई भी दूर जा रहा घर का मालिक ना हाथ पकड़ के खींचता है। लेकिन गाइस आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि इस चैलेंज को करने में ना भाई हवा टाइट हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। पैर सीधे नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते अच्छे से। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यार इतना भयंकर वाला चैलेंज था, जितना लाइक हो सके उतना लाइक करते। चैलेंज भी कमेंट करके बता दो, जो भी चैलेंज तुम्हें देखने हो ना सारे करेंगे भाई धमाके धमाकेदार वाले चैलेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।